नमस्कार, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। बीएसएनएल प्रबंधन व भारत सरकार के खिलाफ कर्मचारी लामबंद होकर हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि भारत संचार निगम ने उनके साथ छल किया है। कर्मचारियों ने बताया कि रीवा से 52 व प्रदेश भर में 90,000 कर्मचारी बीआरएस की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि 31 जनवरी के बाद फरवरी महीने में लिव इन कैशमेंट की राशि दे दी जाएगी और उसका दूसरा हिस्सा जो बचेगा वह है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दे दिया जाएगा। लेकिन अब हालात यह हैं कि कर्मचारियों को दिसंबर व जनवरी का वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रबंधन व भारत सरकार के खिलाफ आने वाले 24 तारीख से आमरण अनशन किया जाएगा और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक यह भूख हड़ताल जारी रहेगी। आज का ये जो हमारा प्रदर्शन है ये खासतौर से भारत संचार निगम लिमिटेड के मैनेजमेंट के खिलाफ में है और उसमें भारत सरकार भी जुड़ी हुई है। हम लोगों को देश में लगभग 90,000 कर्मचारियों को DRS दिया गया और VRS की तमाम शर्तें थी। हमारे रीवा शहर के भी 52 कर्मचारियों ने VRS ऑप्ट किया था और उसमें मैनेजमेंट ने हमारे साथ ये आश्वासन दिया था, समझौता किया था एक तरह से कि आपको VRS की जो धनराशि है एक्सग्रेसिया वो आपके 31 जनवरी के बाद तुरंत फरवरी महीने में दे दी जाएगी और उसका दूसरा हिस्सा जो बचेगा जो गुजरात मॉडल पर कैलकुलेशन हुआ है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे कर दिया जाएगा। लीव इनकैशमेंट की राशि दे दी जाएगी और साथ में हमारे ग्रेजुटी पर भी निर्णय ले लिया जाएगा कि तत्काल भुगतान किया जाना है। उन तमाम वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी और कर्मचारी यहां तक के 2 महीने के वेतन के लिए इधर उधर भटक रहा है। दिसंबर और जनवरी के वेतन भी हम कर्मचारियों को नहीं दिए गए। हमारी ये मांग है कि तत्काल हमारा दिसंबर और जनवरी का वेतन रिलीज़ किया जाए, दिसंबर 2019 जनवरी 2020 और इसके साथ ही हमारे एक्सग्रेसिया का जो कैलकुलेशन है फरवरी महीने का वो 1 किस्त हमको तत्काल दे दी जाए। हमारा अवकाश का जो नकदीकरण बनता है वो भुगतान कर दिया जाए और हमारे ग्रेजुटी पर भी जो कैलकुलेशन आ रहा है उसकी धनराशि कैलकुलेट करके तत्काल हम